हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि हमने अभी तक लेक्चर नंबर 11 कर लिए हैं और जिसमें हमारी 15.2 चल रही थी, और आज लेक्चर नंबर 12 करेंगे जिसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 15.2 का। कौन सा है? 6 वाला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दे रखी है, त्रिज्या आर और कोण दे रखा है थीटा। तो पहले लिख लेते हैं जो गिवन में है हमारे लिए। आंसर नंबर 6 होगा हमारा, दिया है क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जिसे हम डिनोट करते हैं बेटे किससे, आर से। कितनी दे रखी है, 3.5 सेमी। कितनी हमारी सेमी में दे रखी है, सेमी। उसके बाद में दे रखा है जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण मतलब थीटा। क्या है बेटे, थीटा ही होता है। और कितना दे रखा है हमारे लिए, 90। ठीक है, तो देखो अब क्या कह रहा है, इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या लिखना है, जो हमें ज्ञात करना है, तो देखो ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात हमें वृत्त के वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे, कुछ भी है, अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यही लिखेंगे जीवा द्वारा बने लघु वृत्त का। ठीक है, अपनी भी लैंग्वेज लिख सकते हैं इसमें, हमने अपनी लैंग्वेज लिखी। क्या दे रखा है, वृत्त के वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये दे रखा है। तो देखो हम निकालते हैं वृत्त के वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे बेटे, वृत्त के वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। क्लियर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का नहीं, त्रिकोण का, त्रिभुज का, त्रिभुज का कितना निकाला था हमने, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये निकाला था, नहीं निकाला था, क्लियर है बेटे। तो ये निकाला था वृत्तखंड का, कि त्रिज्याखंड के जो फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का, उसमें से जो त्रिभुज होता है उसको माइनस कर दो तो किसका आ जाता है, वृत्तखंड का। क्लियर, तो अब हमें क्या करना है, ओनली देखो हमें क्या है, आर और थीटा की ज़रूरत है, इसमें भी आर और थीटा की ज़रूरत है, क्योंकि पाई और हमारे 360 ये क्या है बेटे, कॉन्स्टेंट राशि है हमारी, ओनली आर और थीटा चाहिए। तो हमें, हमारे लिए हमने देखा कि बेटे आर और थीटा डायरेक्टली दे रखा है, तो क्या करना है, ओनली इसमें पुट करना है। तो देखो पुट करो इस लैंग्वेज को, तो बेटे यूं ही रहने देंगे, करो पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है बेटे 3.5, स्क्वायर कर रखा है तो बेटे दो बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3.5 इंटू 3.5, क्लियर है नहीं है। फिर उसके बाद में थीटा, थीटा कितना है बेटे हमारा 90 अपॉन 360, क्लियर यहाँ तक। अब आगे वाले पुट करते हैं, माइनस है तो माइनस, फिर बेटे ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस के बाद में ब्रैकेट की वैल्यू ब्रैकेट लगा देंगे बेटे, साइन माइनस का होता है तो 1/2 आ जाएगा। फिर क्या कर दिया बेटे, आर स्क्वायर, वही आर की वैल्यू कितनी है बेटे 3.5 इंटू 3.5, यही है, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का मतलब 90, क्लियर करो बेटे। देखो क्या हो गया, 7 से तो ये गया आपका 0.5 बार, 90 से ये गया कितनी बार, कितनी बार गया बेटे 4 बार,
क्लियर है। तो देखो क्या बच रहा है हमारा, 0.5 का 22 से किया तो कितना हो गया बेटे, 11.0। क्लियर है, मतलब 11 हो गया। फिर उसके बाद में क्या बच रहा है हमारा, 3.5 इधर बच गया अपॉन 4। ठीक है, यही रह रहा है ना, और तो नहीं है कुछ। क्लियर, उसके बाद में देखेंगे माइनस है तो बेटे माइनस लगा दिया हमने। क्लियर, और फिर आएगा इधर 1/2 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी, 1 होती है। कितनी होती है बेटे, 1 होती है। तो साइन 90 की जगह पर साइन 90 की वैल्यू हमने पुट कर दी। क्लियर है, नहीं है बेटे यहाँ तक, ठीक है नहीं है। तो देखो आगे मल्टीप्लाई करें, 11 का करो 5 से, कितना हो गया बेटे 55, तो 5 आ गया। उसके बाद में 5 कैरी हो गया, 5 का फिर 3 से किया तो कितना हो गया 33, और 5 38.5/4। क्लियर है, मतलब 38.5/4 आ गया। माइनस है तो बेटे माइनस लगा दो, इधर 35 × 35 कितना होगा। तो देखो बच्चों, हमने देखा कि इसमें 35 और 3.5 है, तो जो क्या कर लेते बेटे, अभी एक सेकंड के लिए पॉइंट को डालो, मान लो कितना है 35 है, तो 35 × 35 कितना होता है बेटे हमारा, 35 × 35 होता है 1225। क्लियर, जब बेटे वन डिजिट छोड़ के पॉइंट इधर है, वन डिजिट छोड़ के इधर है, तो कितनी तो पॉइंट टू डिजिट छोड़ के हो गया, तो टू डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए, डिवाइडेड कर दिया हमने 2 से। क्लियर, उसके बाद में बेटे देखो यहाँ पे देखेंगे आगे, 38.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9.625। कितना आएगा, 9.625 आएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे, और 12.25 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटे, ये आएगा 6.125। क्लियर है, तो देखो करो आगे, माइनस करो, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो बेटे 0, और 6 में से क्या गया 1 गया तो कितना बच गया 5। क्रम से लिखो बेटे, क्लियर, 5 बच गया, पॉइंट है तो पॉइंट आ गया, और 9 में से 6 गया तो कितना बच गया बेटे 3, तो कितना आ गया बेटे हमारा 3.5। क्लियर है, अगर हमारा पॉइंट है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स है, और डिजिट्स के बाद में लास्ट में सबसे हमारी 0 पड़ते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है, तो कितना आ गया बेटे 3.5। और हमारी जो रेडियस थी वो किसमें दे रखी है, सेमी में, तो यहाँ पे यूनिट भी क्या आ जाएगी बेटे हमारी, सेमी। और क्या निकाला है हमने बेटे, क्षेत्रफल, तो उसके लिए क्या आता है, वर्ग, लिख सकते हैं वर्ग सेमी, या लिख सकते हैं बेटे हम सेमी स्क्वायर। क्लियर है, एक ही चीज होती है, ठीक है नहीं है, ये हमारा आंसर है, नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दे रखा है क्या है कि एक व्रत के चतुर्थांश, इसके बारे में बात करेंगे, क्या है, एक व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि क्या दे रखी है बेटे हमारे लिए, 22 सेमी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश होता क्या है बेटे, जैसे हम बना लें एक व्रत बना दें, ये व्रत है, यहाँ से यूँ बना दो और ये बना दो यूँ, ठीक है बेटे, इसके क्या बेटे चतुर्थांश मतलब सेम चार पार्ट कर दें, इक्वल इक्वल चार पार्ट कर दें, तो उसका एक उनमें से प्रत्येक हिस्सा क्या कहला, चतुर्थांश होता है। ये एक ये हो गया चतुर्थांश, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया चतुर्थांश। चतुर्थांश अंश मतलब उसके व्रत के चार इक्वल इक्वल पार्ट कर लो, क्या कर लो, चार इक्वल इक्वल पार्ट कर दो। तो हमने क्या किया, एक लाइन यूँ खींची, दोबारा देखो, तो हमने क्या किया बेटे, एक लाइन यूँ खींच दी तो कैसे हो गए, दो है हुए, क्या हो गए, दो इक्वल इक्वल पार्ट हो गए। उसने कहा चतुर्थांश चार, तो हमने एक और बेटे यूँ खींच दी, तो हमने मान लिया कि ये चार पार्ट हो गए और आपस में कैसे हैं, ये इक्वल हैं। क्लियर है, तो ये कह रहा है कि एक व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। उसने कहा है कि इनमें से, इन चारों में से किसी एक का क्षेत्रफल निकाल दो, और मैंने कह दिया है कि ये चारों के चारों आपस में कैसे होते हैं बेटे,
इक्वल होते हैं। तो देखो बेटे, मैं जानता हूँ कि पूरे वृत्त का जो एरिया होता है क्षेत्रफल, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरा निकालता हूँ तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वो कह रहा है कि इसके किसी भी एक चतुर्थांश का निकालो, तो बेटे एक चतुर्थांश का निकालूंगा तो क्या कर दूंगा मैं, फोर से डिवाइड कर दूंगा। क्योंकि बेटे देखो, मैंने क्या किया, मान लो मैं इसका निकाल रहा हूँ, किसका, इसका निकाल रहा हूँ। तो अब बेटे देखो, एक इसका नहीं निकालना है, इसका इस पार्ट का नहीं निकालना है, इसका नहीं निकालना है। ओनली मैं कह रहा हूँ कि मैंने व्रत के चार पार्ट किए, क्या किए, चार पार्ट किए, तो चार में से एक का निकालना है, मतलब 1/4 पार्ट का मुझे एरिया निकालना है। तो वही मैंने कर दिया कि पूरे का होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, और 1/4 का निकालना है तो 1/4 का और मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया मेरा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये वाला क्लियर है, नहीं है बेटे, समझ में आया नहीं आया। चतुर्थांश मतलब चार सेम इक्वल इक्वल पार्ट कर लो, उनमें से एक का निकाल दो, अर्थात चार पार्ट कर लिए, चार कर लिए तो उनमें से एक का निकाल दो, या कह सकते हैं 1/4 पार्ट का एरिया निकालना है। तो कुल टोटल का होता है पाई आर स्क्वायर, 1/4 का क्या होगा, इंटू 1/4 कर दिया, तो कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, इस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है किसका, चतुर्थांश का, चतुर्थांश का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है बेटे, ठीक है कि नहीं है। और देखो फिर आप इस तरह लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। तो देखो बेटे, आंसर नंबर 6 है, दिया है, क्या दे रखा है हमारे लिए, तो देखो, एक व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि क्या है, 22 सेमी है। तो क्या दे रखा है, व्रत की परिधि इक्वल है 22 सेमी। ठीक है बेटे, ये दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, व्रत की चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों, अभी हमने चेक किया है, क्वेश्चन नंबर गलत डल गया है, तो इसमें हमें क्या, नेक्स्ट भी हमने जो पिछली बार किया था वो भी क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 6 किया था, ये कौन सा हमारा 7 है, कौन सा है 7 है, और इधर भी हम क्या डाल देंगे बेटे, तो आंसर नंबर भी कौन सा होगा, 7 ही होगा। क्लियर है बेटे। तो देखो हमने क्या लिखा है कि दिया है व्रत की परिधि कितनी है, 22 सेमी दे रखी है, ठीक है, यही है, और निकालना क्या है, व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो मैंने बता दिया कि चतुर्थांश क्या होता है, कैसे एक तरह से कह सकते हैं कि व्रत के 1/4 पार्ट का, मतलब व्रत को चार सेम पार्ट में डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लिया, उसमें से एक पार्ट का निकालना है हमें एरिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्रत के 1/4 पार्ट का एरिया निकालना है। तो हमने देखा कि पूरे का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 का कितना हो जाएगा, 1/4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया बेटे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, अर्थात कि ए हमें चतुर्थांश का कितना निकालना है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 निकालना है। तो हमने देखा कि बेटे इसमें भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है निकालने के लिए, आर की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, आर की। तो क्या हमारे लिए डायरेक्टली आर दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे बेटे, हमें आर फाइंड करना है, और किससे, जो कि हमारे लिए जो चीज़ दे रखी है। क्लियर है बेटे, नहीं है, तो देखो फिर इसमें बेटे दिया लिख लिया है, ज्ञात करना है, लिख लो ज्ञात करना है, क्या करना है बेटे, व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे, तो मैंने देखा व्रत चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटे मुझे फॉर्मूला आ गया, लेकिन आर की जरूरत है, आर डायरेक्टली नहीं दे रखा है, तो जो चीज दे रखी है उससे पहले हमें क्या चीज निकालनी है बेटे, जिस चीज की हमें जरूरत है, अर्थात पहले हमें आर निकालनी है। तो देखो बेटे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार तो करो बेटे, प्रश्नानुसार क्या है, व्रत की परिधि दे रखी है, व्रत की परिधि कितनी है बेटे, 22 सेमी है या नहीं है। तो बेटे देखो, व्रत की परिधि क्या होती है हमारी, 2πr होती है, तो इसे लिख सकते हैं 22 के इक्वल। क्लियर है, नहीं है, यहाँ से क्या फाइंड करना है, आर,
तो आर को सिंगल कर लेता हूँ और सब चीज़ों को दूसरी साइड में ट्रांसफर करता हूँ। तो टू पाई लिख दिया बेटे। देखो आर निकालनी मुझे, 22/2 इंटू पाई की वैल्यू रख दो, 22/7, 7 को बेटे मैं कहाँ ले गया, ऊपर, कहाँ ले गया, ऊपर ले गया, तो 22 से बेटे 22 गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 7/2। और किस में बेटे, सेम ही में, तो किस में आ गई हमारी, ये सेम ही में, क्लियर है। अब बेटे मैंने जो चीज़ दे रखी थी, जिस चीज़ की जरूरत थी वो निकाल ली, मतलब त्रिज्या निकाल ली। अब त्रिज्या में बेटे क्या करूँगा, फॉर्मूला पुट करूँगा, चतुर्थांश का एरिया निकालूंगा। तो देखो बेटे, वृत्त के चतुर्थांश मतलब 1/4 पार्ट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बेटे पूरे का कितना होता है हमारा, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश मतलब 1/4 पार्ट का निकालना है। तो क्या कर दूंगा बेटे, 4 से डिवाइड कर दूंगा, कितना हो गया, 1/4 पार्ट आ गया, नहीं आ गया, 1/4 का, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर है। तो देखो बेटे अब ये निकालना है मुझे, और आर मैंने, आर की जरूरत थी, आर भी मैंने फाइंड कर लिया, तो वैल्यू पुट करो इसमें, क्या है, पाई की जगह पाई की रख दी बेटे, 22/7, आर स्क्वायर कितना है बेटे, 7/2 इंटू 7/2, क्लियर है। आर स्क्वायर कर रहा है तो बेटे क्या कर दिया मैंने, 7/2, क्लियर है। और फिर क्या बेटे, अपॉन में 4 दे रखी है, तो बेटे अपॉन में 1/4 अलग से लिख देता हूँ, क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं समझ में नहीं आया सर ये 1/4 क्यों कर दिया, ठीक है अलग से लिख दिया है। तो देखो बेटे अब कर लो, कुछ काटा फांसी हो रहा है, तो मैंने कहा था सबसे पहले नीचे वालों ख़त्म करो, अगर हो रहे हैं तो 7 से 7 गया, उसके बाद में 2 से ये गया 11 बार, ठीक है, नहीं है तो देखो बेटा इधर करते हैं थोड़ा, तो देखो बेटे क्या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा हमारा, कितना बच रहा है, 11/7, कितना बच रहा है, 11/7 अपॉन, कितना बच रहा है बेटे, 2/4, कितना बच रहा है, 2/4 बच रहा है। तो देखो बेटे क्या हो गया, 77/8, कितना हो गया बेटे, 77/8 हो गया। तो देखो इसका ऐसे डिवाइड करते हैं तो कितना बार जा रहा है, 9.625, कितनी बार जा रहा है बेटे, 9.625 बार जा रहा है। और बेटे हमारी जो रेडियस और ये आई थी कितनी में से, सेमी में है, और हमने ये निकाला है बेटे क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के लिए आ गया वर्ग, और यूनिट आ गई हमारी बेटे सेमी, ये क्या होगा बेटे हमारा आंसर, क्लियर है। तो बेटे यहाँ पे समझ में आया चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, कि अगर वृत्त को हम 4 सेम पार्टों में डिवाइड कर लें तो उसमें से एक पार्ट का हमें एरिया निकालना है, अर्थात वृत्त के 1/4 पार्ट का क्या करना, हमें एरिया निकालना होता है, क्लियर है बेटे, नोट करो। तो बच्चों समझ में आया, अभी तक मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है बेटे, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो बेटे क्वेश्चन समझने में, या नहीं जान समझ में नहीं आया हो, तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।